पर बढ़वा से कृषि व्यापार अध्यादेश 2020 में सुधार करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील इकाई ने बुधवार एसडीएम मिलिंद ढोकी को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा किसानों ने नई सब्जी मंडी में 10% आढ़त लेने की शिकायत एसडीएम से की है। साथ ही दूध का भाव 45 रुपये करने की मांग की गई है। संघ के नाजिम खान प्रकाश परिहार ने बताया कि भारतीय किसान संघ की शुरुआत से मांग रही है कि किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस दृष्टि से समर्थन मूल्य तय हो और किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता हो, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये अध्यादेश निकाला है, ऐसा हमारे ध्यान में आ रहा है। संघ के सदस्यों ने बताया कि बड़वा विकासखंड के सभी गाँव में मिर्ची की फसल अत्यधिक धूप गिरने और सफ़ेद मक्खी कीट से करीब 10,000 हेक्टेयर में खराब हो चुकी है। प्रत्येक किसान के द्वारा महंगा बीज दवाई और मजदूरों के द्वारा करीब 50,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत लगी है। इसके बाद भी किसान अपनी फसल नहीं बचा पाए हैं। किसानों ने मिर्ची का सर्वे करवा कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। भैया जी, एसडीएम को ज्ञापन दिया, क्या मामला? मामला ये था हमारा कि हमारी 5 सूत्री मांगे थी, वो पूरे मध्य प्रदेश लेवल में हमने करी है और उसी विषय में साहब को भी एक लेटर दिया है। और दूसरा विषय यह था हमारा कि जो मिर्ची की फसल है वो पूरी तरह से वायरस हो गई है, बहुत ख़राब हो रही है मिर्ची की फसल, तो उसी को लेकर एक ज्ञापन देना था, साहब को वो दिया है। और सब्जी मंडी जो है वहाँ पर आज से 1 महीने पहले जो नई सब्जी मंडी स्थानांतरण हुई थी कृषि मंडी की, तो वहाँ पर अड़त बंद कर दी गई थी लिखित रूप में, और मौखिक रूप में वहाँ पर 10% किसानों से आज भी अड़त ली जा रही है। तो यही हमारा निवेदन था साहब से कि आप इसको संज्ञान में लें। और दूध की जो हमारी लॉकडाउन को चलते, महामारी के चलते, हमने अपनी स्वेच्छा से सभी किसानों ने 45 रुपये लीटर जो दूध था उसको 40 रुपये लीटर किया था, कि जब तक के महामारी चल रही है 1-2 महीने पर बहुत चरम पर थी, तो उसी वक्त अपने सबने सहयोग से पूरे संघ ने मिलकर इस निर्णय को लिया था, जो आज हम उसे वापस पुनः 45 रुपये लीटर चाहते हैं। और यही हमारी व्यापारी से भी मांग है और साहब से भी अनुरोध यही। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने बोला कि आपका जो था यथावत वो किया जाएगा, आज वो भी व्यापारियों से बात कर लेंगे और हम भी एक विनती के तौर पर तो व्यापारी संघ दूध बढ़वा उनको एक ज्ञापन देंगे कि 1 तारीख से हमारा रेट वापस 45 रुपये लीटर किया जाए। सर, भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? और आज भारतीय किसान संघ के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनकी प्रमुख मांग ये थी कि व्यापार के संबंध में 2020 का अध्यादेश केंद्र शासन ने जारी किया, उसमें वो संशोधन चाहते, उसी विषय को लेकर 5 बिंदु का संशोधन उन्होंने प्रस्तावित करके भेजा। एक ये विषय था और दूसरा विषय मिर्च की फसल खराब कर रही हो गई है, उसके संबंध में सर्वे और उसकी नुकसान की भरपाई के। सर, आढ़त प्रथा को लेकर भी कुछ मांग की गई उनसे? जो आढ़त प्रथा को लेकर उन्होंने बताया कि शायद कुछ व्यापारी लोग इससे आढ़त वगैरह वसूल कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में आढ़त वसूली नहीं की जा रहा है। सर, दूध के जो मूल्य है उनको पहले से यथावत करने के भी कुछ कहा गया है? हाँ, व्यापारी संगठन से चर्चा करेंगे इस विषय में। पहले 45 रुपये 40 रुपये का इनका इशू है, अभी 40 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं, 45 रुपये 1 तारीख से करने का इनका प्रस्ताव है। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वा से सागर जाट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।